गरीब लोगों को और मिडिल क्लास लोगों को अगर किसी ने बड़े सपना देखना सिखाया है, अगर किसी ने बड़ा सोचना सिखाया है, तो वो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री इतनी बेहतरीन है, ये इंडस्ट्री इतनी धमाकेदार है कि ये एक इंसान की पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली चेंज कर देती है। उसका वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का एक सही तरीका, उसका बिहेव करने का तरीका, उसको उसका चीज़ों को समझने का तरीका, उसका चीज़ों को बताने का तरीका, उसका लोगों की हेल्प करने का तरीका, उसका एक बिजनेस माइंडसेट डेवलप हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी सच में कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। वो कोट पहनना, वो टाई लगाना और वो सर सर करके बोलना, उसका कैरेक्टर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ये इंडस्ट्री सच में बेहतरीन इंडस्ट्री है और यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सच में हमें बिलीव देती है, जो सच में हमें एक भरोसा देती है कि हाँ, पैसे कमाना भी आसान होता है, पैसे कमाना मुश्किल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इस इंडस्ट्री को जो सम्मान भारत में मिलना चाहिए, वो सम्मान इसको भारत में नहीं मिल पा रहा है। आज भी काफ़ी सारे लोग इस इंडस्ट्री को नेगेटिव के रूप में लेते हैं, इस इंडस्ट्री को कहते हैं ये धोखेबाजों की इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में अरे वही है ना ये जोड़ने वाली कंपनी, अरे वो चैन सिस्टम, अरे ऐसा, अरे वैसा। ये सारी की सारी चीज़ें जब मैं सुनता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप और हम मिलकर, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा भी समझा है, आओ मिलकर इस इंडस्ट्री को भारत में एक विशेष सम्मान दिलाएं, क्योंकि हमें पता है यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो यंग ब्लड के अंदर, जो यूथ के अंदर इंस्पिरेशन ला रही है, यूथ के अंदर एक मोटिवेशन ला रही है कुछ कर गुजरने की, कुछ कर गुजरने की और क्वेश्चन करने की कि क्या पैसे कमाना सच में मुश्किल होता है क्या, जो हमारे अंदर सोसाइटी ने और इधर उधर के लोगों ने इतने वो डाल रखे हैं कि यार पैसे कमाने के लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने सच में ये भ्रम भी दूर कर दिया कि पैसे कमाना मुश्किल तो होता है लेकिन इतना भी नहीं जितना हम सोचते आ रहे हैं। तो बात करते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग में कि ये नेगेटिव क्यों होती चली जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसका जो रीज़न, जहाँ तक मैंने रिसर्च करी, मुझे समझ में आया कि जब आप किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आप उसको प्राउडली, आप उसको सच्चाई के साथ, आप उसको करेज के साथ नहीं बोल पाते कि यस, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूँ, मैं एक नेटवर्कर हूँ और मैं लोगों की मदद करता हूँ ये बिजनेस डेवलप करने में। आप जब उसकी ज्वाइनिंग कराते हैं तो आप उसको बार बार उलझाते हैं, वो किसी भी तरह बस सेमिनार हॉल में चले जाए या बस किसी भी तरह आपके अपलायंस से मिल जाए। आप स्टार्टिंग में उससे बोलते हैं यार ये कैरियर काउंसलिंग है, अरे कोई रिस्क नहीं है, अरे कोई पैसा नहीं लगेगा, अरे ये होगा, अरे वो होगा। लेकिन जब धीरे धीरे करके सच्चाई सामने आती है, जब उसको पता लगता है कि यार हाँ यार कैरियर काउंसलिंग नहीं थी, ये तो अपने फ़ायदे के लिए जा रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग है ये, और उसको पता रहता है, उसके भी कई सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो लोगों को अब धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस होते चले जा रहे हैं। लेकिन अब आपके पास अब ऐसा टाइम आ चुका है कि अब आप लोगों को डायरेक्ट बोलो कि यस, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूँ, यस मैं एक नेटवर्कर हूँ और यस मैं लोगों की बिजनेस बिल्ड करने में मदद करता हूँ। क्योंकि ये भी एक स्टार्टअप है, इसमें क्या होता है कि हाँ थोड़े बहुत पैसे लगेंगे और हर बिजनेस में पैसे लगते हैं। क्या कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बिना पैसे के स्टार्ट हो जाता है? और नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत अच्छा बिजनेस है जो बहुत कम पैसे में स्टार्ट होता है। कई कंपनियों में 10-15 हज़ार, ऐसे 20,000, 25,000 या 30,000, इससे ज़्यादा ज्वाइनिंग नहीं होती, इससे ज़्यादा कंपनी प्रोडक्ट अपने सेल नहीं करती अपने कस्टमर्स को। लोगों को समझाओ कि देखिए जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी आप बाहर से सामान खरीदते हैं, आप बाहर से कॉस्मेटिक के, आप घरेलू सामान, हाउस होल्ड सामान होते हैं, आप राशन पानी, ये सारा का सारा सामान जो आप बाहर से खरीदते हैं, वो सामान आप एक जगह से खरीदिए, एक कंपनी से खरीदिए और लोगों को भी यही बताइए करने के लिए सेम थिंग कि आप भी बाहर का सामान बाहर से मत खरीदिए, आप इस कंपनी से खरीदिए। और इससे एक बिजनेस डेवलप होता चला जाता है जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। और हाँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें कोई बुराई नहीं है,
नेटवर्क मार्केटिंग में जो छवि है वो इसलिए ख़राब है क्योंकि जैसा कि एक क्लास है, एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों में से अगर दो बच्चे फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 के 50 बच्चे खराब हैं, 50 के 50 बच्चे फेल हो गए, नहीं, दो बच्चे अगर फेल हो गए तो बाकी के बच्चे पास भी हुए हैं। तो कुछ ऐसी कंपनीज आ जाती हैं जो थोड़ी होती हैं पैसा लेके चली जाती हैं, या फिर थोड़ी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कस्टमर्स को उतना बेनिफिट नहीं दे पाती। बट हमें ये भी तो देखना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारे लोगों ने अपने सपने भी पूरे किए हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट मैं देखिए शो नहीं करना चाहता लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास अभी भी ऐसे ऐसे लोगों का कॉन्टैक्ट है जो नेटवर्क मार्केटिंग से 40 लाख से 50 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा रहे हैं। और ऐसे काफ़ी सारे लोगों से मैं मिला हूँ जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख तक नेटवर्क मार्केटिंग से अर्न कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ हमें ये लगती है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में ना हम जब किसी को भी ज्वाइनिंग कराने के लिए जाते हैं और हम तो जाते हैं स्प्लेंडर पे या हम तो जाते हैं स्कूटी से, और सामने वाले को जिससे ज्वाइनिंग करवाने जाते हैं उसको सपने दिखा के आ जाते हैं BMW के। लेकिन अब इस बात को भी ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक इंसान जिसने हमेशा यही सुना है आसपास कि यार पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं, यार बड़े सपने ज़्यादा देखने नहीं चाहिए, यार बड़ी मुश्किल होती है सपने पूरे करने में, ये होता है वो होता है, लेकिन जब वो सेमिनार हॉल में बैठता है, जब वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जानता है और वो जब सेमिनार में देखता है, लोगों की चेक देखता है, ऐसे लोगों से मिलता है जिन्होंने सच में अच्छी इनकम अर्न कर रखी होती है नेटवर्क मार्केटिंग से, तो उसको एक थोड़ा सा बिलीव जगता है। वो गरीब इंसान, वो मिडिल क्लास इंसान थोड़ा सोचता है कि हाँ यार ये जो इतने सारे बिलीफ थे ये सब बेकार थे, उसके अंदर एक इंस्पिरेशन आती है, उसके अंदर एक मोटिवेशन आती है, तो इसीलिए वो एक्साइटेड हो जाता है और वो सामने वाले को जिसको वो ज्वाइन कराने जा रहा होता है वो उसको बताता है कि हाँ भाई 5 साल के अंदर ऐसे भी लोग थे जिनकी सच में BMW ऑलरेडी आई है, और सच में ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग हैं जिनकी 5 साल 6 साल के अंदर अच्छी अच्छी कारें आई हैं। बट हम ये नहीं कह सकते कि सभी की आ जाएंगी, वो तो आपके काम पर डिपेंड करता है कि आप काम कैसा करते हैं। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग जो एक्साइटमेंट में जो बातें बोलते हैं सच में वो बातें होती हैं, इसीलिए लोग ऐसा बोलते हैं। और दूसरी बात, लोगों के अंदर से एक बैरियर चला जाता है कि पैसे कमाने इतने मुश्किल नहीं हैं, सपने पूरे करना इतने मुश्किल नहीं है जितना समाज ने हमें सिखा रखा है। तो आगे से आपको ध्यान रखना है कि आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना है। देखिए सच्चाई का रास्ता, ऑनेस्टी का जो रास्ता है वो मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वही एक ऐसा रास्ता है जो आपको परमानेंट जीत दिला सकता है। कई बार आपको लगेगा कि यार कुछ गलत हो रहा है तो यार झूठ बोलना चाहिए, लेकिन दोस्त वहीं पर आप इम्प्रूव होते हो, वहीं पर आपको जज किया जाता है कि आप सच के साथ हैं या झूठ के साथ हैं। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, नेटवर्क मार्केटिंग को करिए और लोगों की ज्वाइनिंग कराइए, और प्राउडली कहते हुए, प्राउडली बताते हुए कि यस मैं नेटवर्कर हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के सपोर्ट में हूँ और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी लगती है इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को करता हूँ। किसी को गुमराह मत कीजिए कि यार कैरियर काउंसलिंग है, कि यार कभी ये है, कभी इतने पैसे लगेंगे, कभी नहीं लगेंगे, कभी इतना करेगा, कभी इतना होगा, लेकिन जो चीज़ें सच्चाई है उन सच्चाइयों को बताइए आप। अब आप ऐसे काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर आप क्यों नहीं करते नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग थी, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने करीबन 1 साल या उससे भी 1 साल 2-3 महीने कॉलेज में मैंने काम किया था नेटवर्क मार्केटिंग में, उसकी ट्रेनिंग ली थी और वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कंपनी में ली थी। तो वहाँ से जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, वहाँ पर मैं पैसा कमाने गया था, लेकिन वहाँ पर मुझे पैसे से भी ज़्यादा मुझे एक अनमोल चीज़ मिल गई वहाँ पर। तो वो चीज़ मेरे बहुत काम आ रही है यार, जो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी। और दूसरी चीज़, मेरा कुछ और करने का मन था, मेरा कुछ और करने का मन है पहले से ही, और हर एक पर्सन इंडिपेंडेंट है अपनी फ्रीडम, अपने कैरियर को चूज़ करने के लिए कि वो किस कैरियर में जाना चाहेगा। बट मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का कि यस सच्चाई के साथ चलिए और लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिव करिए, और सच में ये बिजनेस बहुत बेहतरीन है, सच में ये बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, सच में ये अपॉर्चुनिटी ऑसम है। तो बोलिए मेरे साथ जोर से चिल्ला के, नेटवर्क मार्केटिंग सच्ची है, नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।